हम प्राचीन सांस्कृतिक खजाने, किले, बावड़ी, महल और मंदिरों से भरे शहर झुंझुनू की बात कर रहे हैं, जहां से जयपुर 180 किलोमीटर की दूरी पर है। मंदिरों के दर्शन और पर्यटन के लिहाज से यह शहर कितना खास है, ये तो यहां आने के बाद ही जाना जा सकता है। रानी सती दादी के इस शहर में मैं कई बार आ चुका हूं, पर सिर्फ मंदिर तक ही सीमित रहा। इस बार की यात्रा में मैंने यहां इस शहर में राजस्थान के अतीत और सांस्कृतिक परिवेश को बेहतर तरीके से समझने के लिए कुछ खूबसूरत स्थल चुने हैं, जिन्हें मैं वीडियो के माध्यम से आपके दर्शनार्थ एक एक रखूंगा। राजस्थान का इतिहास वीरता, शौर्य और पराक्रम का इतिहास रहा है। वीर शक्ति की आराधना करते थे। यह शक्ति पूजा प्राचीन काल से ही देखने मिलती है। सांभर के चौहान शासकों की शाकंभरी माता, कछवाहा राजवंश की आराध्या जमवाई माता, आमेर के प्रतापी राजा मानसिंह की आराध्या शीला देवी, शेखावटी की जीण माता, ओशिया की सच्चाई माता, किणसरिया नागौर की केवाय माता, गोट मांगलौत की दधिमती माता, देशनोक की कर्णी माता आदि हजारों शक्ति मंदिर मिलेंगे, जो स्पष्ट रूप से प्रमाण है प्राचीन काल से ही शक्ति पूजा के। हम ऐसे ही एक शक्ति धाम झुंझुनू के खेमी सती मंदिर में हैं, जहां खेमी सती दादी के अलावा सभी शक्तियां, नवदुर्गा, दसों महाविद्याएं एक साथ विराजमान है। इससे यह धाम और भी शक्तिशाली हो गया है। अनादिकाल से हमारा सनातन धर्म सती नारियों का सम्मान करता आया है। आज के लोग सती शब्द का मतलब मृत पति के साथ चिता में जीवित चलना समझते हैं, पर हमारे पौराणिक ग्रंथों में सती नारी का अर्थ सतमार्ग में चलने वाली, एक निष्ठा में दृढ़ रहने वाली, एक पतिव्रत धारण करने वाली नारियों को दर्शाया गया है। महाराज अग्रसेन के अग्रवंश में ऐसी अनगिनत सती नारियां हुई हैं। अग्रवाल समाज में इन सभी सती नारियों को सती दादी जी के रूप में पूजने का विधान है, जो नारियां अपने सत को बचाने के लिए अपने प्राणों तक का मोह नहीं किया, जो साक्षात जगदम्बा है, उन सभी नारियों को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। आज हम खेमी सती मंदिर झुंझुनू में हैं। मेरा इस वीडियो को बनाने का एकमात्र उद्देश्य और प्रयास है, जो भी अग्रवाल बंधु अपनी कुलदेवी से अनजान है, सिर्फ उनकी सहायता करना है। मेरा उद्देश्य सती प्रथा का प्रचार करना नहीं है और ना ही अग्र समाज में विभाजन। मुख्य मंदिर के भीतर सीताराम, राधा कृष्ण, भगवान विष्णु, माँ काली, माँ सरस्वती, लक्ष्मी, संतोषी माँ, गणेश जी और शिव जी के अलावा दसों महाविद्याएं और नव दुर्गाओं के मंड और मंदिर बने हुए हैं।
जिनका दर्शन आप अपनी मोबाइल स्क्रीन या टीवी स्क्रीन पर कर रहे हैं। यहाँ आने के बाद आपको एक साथ इन सभी देवी देवताओं की कृपा मिल जाएगी। मंदिर भीतर से बहुत विशाल है और इसे खूब सजा कर रखा गया है। खेमी दादी जी को जानने के लिए आइए इतिहास के कुछ पन्नों को लटते हैं। ज्ञात इतिहास के अनुसार माँ का जन्म विक्रम संवत 1205 बसंत पंचमी के दिन सेठ श्री प्रयागदास जी एवं माता भाग्यलक्ष्मी जी के घर हुआ था। श्री खेमी मूली बहने थी। विक्रम संवत 1215 बैसाख बदी पंचमी के दिन खंडेला के सेठ श्री चेतराम जी एवं माता अन्नपूर्णा देवी के पुत्र श्री जलूराम जी के साथ श्री खेमीबाई और श्री तेजराम जी के साथ मोलीबाई का विवाह संपन्न हुआ था। विक्रम संवत 1219 बैसाख सुदी पंचमी मंगलवार के दिन श्री खेमी मोलीबाई का मुकलावा संपन्न हुआ। वापस लौटने के दौरान डाकू ने उन पर हमला कर दिया। जलूराम जी और तेजराम जी वीरगति को प्राप्त हुए। खेमी मोली ने क्षण भर में दुष्ट दल का नामोनिशान मिटा डाला। इस घटना से दुखी हो दोनों बहनें एक दूसरे से लिपट कर डोकण गांव की भूमि पर सती हो गई थी। तब से दोनों बहनें एक ही रूप में श्री खेमी दादी जी के रूप में पूजी जाने लगी। माँ का प्राचीन मंड डोकण गांव में स्थापित हुआ। माँ के आदेश अनुसार झुंझुनू की इस धरती पर ये माँ का विशाल मंड और भव्य मंदिर बना है। ये टिबड़ेवाल परिवार की कुल देवी हैं। इस परिवार में नववधु माँ बनने के बाद कच्चे दूध का सेवन करती है, विशेषकर गोयल गोत्र वालों द्वारा। मेरे द्वारा दी गई ये जानकारियाँ सिर्फ सूचना के तहत ही लें। ये जानकारियाँ सुनी, कही, पढ़ी, देखी, ऑनलाइन तथा अन्य स्रोतों से ली गई हो सकती है। कोई भी संदर्भ अधूरा रह गया हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। जितनी मेरी समझ थी मैंने आप तक पहुँचाने का प्रयास किया है। हरी हरियाली और पेड़ पौधों फूलों से भरे लॉन और बगीचे इस मंदिर परिसर की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे हैं। पॉजिटिव वाइब से भरपूर खेमी सती दादी मंदिर झुंझुनू की शान है। मंदिर में गुलाबी रंग की वास्तुकला,
रहने के लिए यहाँ कमरे बहुत हैं, और तो और शादी के लिए लॉन की जगह और कमरे भी दिए जाते हैं। सभी तीर्थयात्रियों के लिए तो है ही, यहाँ का रखरखाव तारीफ के काबिल है। लोगों से सुना कि रानी सती मंदिर दर्शन के बाद यहाँ आना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। भोजन की भी उचित व्यवस्था मिल जाएगी यहाँ। मानसिक रूप से कमजोर एवं मूक बधिर बच्चों का एक विशेष स्कूल आशा का झरना के नाम से मंदिर परिसर में चलाया जाता है, जिनमें इन बच्चों को विशेष शिक्षा दी जाती है, उनकी फिजियोथेरेपी की जाती है, उन्हें कंप्यूटर शिक्षा दी जाती है और स्पीच थेरेपी के साथ साथ इनके सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों के बारे में उन्हें परामर्श भी दिया जाता है। इसके साथ साथ उन्हें व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाती है ताकि ये बच्चे स्वावलंबी हो, समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। बधिर होना किसी प्रकार की अपंगता या कमजोरी नहीं है, ये ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। बस अंतर इतना ही है कि इनमें सामान्य से सुनने और बोलने की क्षमता कम होती है। इन्हें यहाँ आशा का झरना में बधिरों को सांत्वना देने के बजाय उनके जीवन में एक परिवर्तन लाना है। हमारे मंदिर सिर्फ हमारी आस्था का ही केंद्र नहीं है, यहाँ सिर्फ हमारे आराध्य ही नहीं विराजते, बल्कि नर नारायण की सेवा, हमारी संस्कृति, सभ्यता, मानव कल्याण की भावना के भी ये स्थल हैं। ऐसा तो सिर्फ भारत में ही हो सकता है। जय राजस्थान, जय हिंदुस्तान।